नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोगों को अपने इस ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तारीख है और शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। मैं चल रहा हूँ अपने मार्केट में, थोड़ा सा दवा लेना है। सबको पता है कि मेरा थोड़ा घर में मेरी वाइफ का प्रॉब्लम हो चुका है, तो आज फिर से गए थे दिखाने के लिए। तो आज चलते हैं मार्केट में दवा लेने, दवा लेके फिर ले जाएंगे दिखाना है। 4-5 दवा और लिखे हैं, नया वाला, पुराना वाला, फिर ड्रेसिंग का सामान लेना है। ड्रेसिंग मैं घर पे ही कराऊंगा, यही सब है। चलिए चल के दिखाते हैं। फिर से मैं पैदल ही जाना हूँ, मेरा घर ये इस गांव में है। ये जो बस्ती दिखाई दे रहा है, इसी बस्ती में मेरा घर है। ये सब बस्ती, इसी की बस्ती में घर है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर भी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर है, मैक्सिमम 500 मीटर है। और ये है मार्केट मेरा, यहाँ पे सब चीज़ उपलब्ध है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, ATM लगा है, बैंक भी 2 है, सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, इसलिए मैं पैदल, शाम के समय है, पैदल टहलने का भी काम आ जाएगा वॉकिंग का, इसलिए मैं पैदल ही चल दिया हूँ। अभी आ गया हूँ मार्केट में, देखता हूँ दवा लूँगा, थोड़ा शाम तक जाऊँगा, 7-8 बजे तक मार्केट से, मार्केट नज़दीक से मैं उस पार भी जाकर दिखाऊँगा। अभी चलता हूँ पहले दवा दुकान से दवा लेता हूँ, फिर वीडियो बनाऊँगा। ये मशीन है, पुराने कपड़े को कंबल बना देता है, तोशक बोलते हैं हमारे यहाँ, जो नीचे बेड पे बिछाने का काम आता है, बहुत अच्छा है। ये हमारा मार्केट है, कोठी, हाँ, कोठी के मतलब खाना बात। हमने तो बहुत बात हो केला, सब मैटर पर बात हो केला, खाना मैटर पर बात किया है कि बाप बतियाल तो पर बतियाल कितना 1 लाख तो हमारा एक बार पहले रहे, लेकिन 1 लाख संभव नहीं है ना हमारा लगे। ये हमारे चौक मार्केट का दृश्य है, शाम का समय है, लॉकडाउन के चलते आदमी कमी है। बाकी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा एकदम, जब कोरोना नहीं था तो बहुत, तो यहाँ पे भीड़, इस समय तो इतना भीड़ होता था कि पूछिए नहीं, 10 बजे तक दुकान सभी खुलता था। लेकिन अभी सुविधा नहीं है, कोरोना के चलते सब गड़बड़ हो गया है, इसीलिए लोग आना रहे सभी सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में। अभी तो इधर गांव के टाइप भूजा का दुकान सब खुल रहा है, घेर के तो रखा है, लेकिन बाहर में सब वैसा ही चल रहा है। नहीं है, देखते हैं, अंडा लेते हैं, तुम बॉयल अंडा। अनन की ए बॉयल अंडा बा दादा, 2 गो बिना छिलल। अंडा लेना था, अंडा ले लिए, चल दिए हैं फिर से रिटर्निंग। हम घर की तरफ अभी नहीं जाएंगे, अभी थोड़ा एक जगह और जाने हैं, काम है, काम खत्म करके फिर चलेंगे घर। इधर देखते हैं, एक आदमी से और मिल लेते हैं, काम हो जाएगा फिर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मार्केट से आ गया हूँ अब अपने घर, घर में खाना पीना खा के टाइम हो रहा है, 10-15 मिनट हो रहे हैं, सब काम हो गया जितना काम था। चौक पर जाके अपने मार्केट से कर लिया हूँ। यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है, यहाँ पर जैसे लॉकडाउन की तरह नहीं लगता, के सामने बंबू से या रस्सी से घेर के रखा है, लेकिन उसके बाहर तो इसी जैसे लगा, एकदम भीड़ पर किस तरह लगा हुआ है, मेला पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर 100% भी पता नहीं चल रहा है कि
कोरोना चल रहा है, कोरोना के समय है, लॉकडाउन है, पता नहीं चल रहा। जैसे कि सभी को पता है, हम जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस समय मैं गया था यहाँ से, मतलब यहाँ से जब मैं घर से गया था वो 4-5 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से अभी आया हूँ, मतलब 6 महीना, लगभग 6 महीने के बाद आया हूँ। तो मार्केट में जाने के बाद जितने मेरे दोस्त मिलते हैं वो कर लेते हैं, घर लेते हैं, अभी तो थोड़ा सा लेकिन अभी मैं जस्ट आधा मतलब 9:30 पर मैं आया हूँ। इसके पहले मैं मार्केट में सब आपस में हम लोग गप्पा मार रहे थे, जो भी सुन रहा है मैटर हमारा तो पछतावा हो रहा है। हुआ सो हुआ, अब क्या करें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, यही था, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा, थोड़ा हिम्मत आएगा कि वीडियो बनाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, थोड़ा लाइक कीजिए और थोड़ा सजेशन मुझे दीजिए कि वीडियो कैसे बनाया जाता है। सभी को पता है कि मैं नया नया वीडियो बना रहा हूँ, मतलब बना के रहा हूँ, अभी तो यूट्यूब में मैं सीख रहा हूँ। तो आप लोग हमको कुछ सजेशन देंगे या मतलब कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे करो वैसे करो तो थोड़ा मैं मेरा भी हौसला बढ़ेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। बस अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग।